दोस्तों यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई नोटिस या ऑर्डर जारी किया गया है जहां पे कि उसके डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, क्या वो वैलिड कहा जाएगा? इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्सी पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। दोस्तों बहुत से लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन किया जा रहा था कि जो जीएसटी पोर्टल से उन्हें ऑर्डर या फिर नोटिस मिल रहे हैं उस पर ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है तो क्या वो वैलिड है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाते हैं जीएसटी पोर्टल से ऑफिसर के द्वारा, जैसे कि नोटिस, ऑर्डर एक्स्ट्रा, जिन पे के ऑफिसर का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो नहीं होता, तो क्या ये वैलिड कहे जाएंगे। इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा गया है कि जब जीएसटी ऑफिसर लॉगिन करता है जीएसटी पोर्टल पे इन ऑर्डर या फिर नोटिस को जारी करने के लिए तो उसकी डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो ये नोटिस जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं और ऑफिसर के कमांड पर जनरेट किए जाते हैं, इस प्रकार इनके ऊपर फिजिकल सिग्नेचर नहीं होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं जीएसटी पोर्टल पे वो तभी जारी हो सकते हैं यदि ऑफिसर ने अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ लॉगिन किया है जीएसटी पोर्टल पे। और ये सभी डॉक्यूमेंट जेसन फॉर्मेट में होते हैं जो कि जीएसटी सिस्टम पे स्टोर्ड होते हैं जीएसटी ऑफिसर की डिटेल के साथ। तो आप इन नोटिस को या फिर ऑर्डर को वेरीफाई भी कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे बिना लॉगिन किए हुए भी और लॉगिन करने के बाद भी। तो इसके लिए आप लॉगिन यदि करना चाहते हैं तो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे यूजर सर्विसेज में वेरीफाई आरएफएन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको डालना होता है ऑर्डर का या फिर नोटिस का, उसके बाद आप उसे सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार प्री लॉगिन के लिए भी ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है कि आप प्री लॉगिन में भी जो आरएफएन है यानी कि रेफरेंस नंबर जो डॉक्यूमेंट का, उसके बेस पे उन्हें सर्च कर सकते हैं कि किस ऑफिसर के द्वारा ये जारी किए गए हैं। इस प्रकार जो क्रिटिकल फंक्शन है जीएसटी पोर्टल पे वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही परफॉर्म किए जाते हैं जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, जैसे कि यदि कोई नोटिस जारी करना है या कोई ऑर्डर जारी करना है या कोई रिफंड ऑर्डर जारी करना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जो कि जीएसटी पोर्टल ने जारी की है, तो आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में अवगत हो पाएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएं। जीएसटी पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सी एस सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समन इन जीएसटी टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफर करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।